इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ लोगो, मैंने अल्लाह के रसूल से सुना कि जब इंसान कब्र में जाता है तो उस वक्त एक मिसाली सूरत उसके सामने आती है और कहती है, ऐ शख्स, हम तीन अफराद थे, एक तुम्हारा माल और रिज्क, तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म होते ही ख़त्म हो गया, दूसरा तुम्हारे अजीज़ और रिश्तेदार जो तुम्हें अभी अभी दफ़न करके अपने अपने घर की तरफ जा रहे हैं, और तीसरा मैं, तुम्हारे आमाल उस वक्त मिसाली सूरत कहेगी, तो हमेशा माल और रिज्क और रिश्तेदारों की फ़िक्र में रहा और अपने आमाल को ज़्यादा अहमियत ना दी, लेकिन आज सिर्फ मैं ही तुम्हारे साथ हूँ। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उस वक्त कब्र में इंसान अपने आमाल देख के चीख के रोएगा और कहेगा, काश मैं अपने आमाल की फ़िक्र करता और अपने आप को नेक बनाने की कोशिश करता, क्यों ना कि इंसान का सबसे अजीम दोस्त नेक आमाल हैं, सबसे अजीम दोस्त नेक आमाल हैं।